गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर स्टूडेंट्स हमने ट्यूसडे को रीड किया था वैक्सीनेशन एंड हाइजीन के बारे में ओके okay. अब आगे देखिए एक्सरसाइज वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड फ़िट हमें वी शुड हमें चाहिए एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी टू स्टे हेल्दी एंड फ़िट हेल्दी बने रहने के लिए और फिट बने रहने के लिए हमें एक्सरसाइज़ नियमित रूप से करनी चाहिए एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज जो है हमारे इम्प्रूव्स करती है इम्प्रूव करती है बढ़ाती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड ब्लड के दौरे को सही चलाती है सही दौरा करता है हमारा ब्लड सही दौड़ता है ओके डाइजेशन एंड टोन्स अप आवर मसल्स डाइजेशन पाचन को सही करती है और मसल्स को टोन अप करती है व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन जब हम एक्सरसाइज करते हैं मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड तो अधिक ऑक्सीजन सप्लाई होती है कहाँ पे ब्रेन को हमारे दिमाग को प्लेइंग आउटडोर गेम्स और हमें और प्लेइंग आउटडोर गेम्स आउटडोर गेम खेलने से जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी ऑल्सो कीप अस फ़िट ये आउटडोर गेम्स खेलने से हम क्या होते हैं फिट होते हैं जिससे हम फिट बने रहते हैं योगा स्विमिंग साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइजेस और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं जैसे कि योगा स्विमिंग तैरना साइकिलिंग करना वॉकिंग रनिंग अदर गुड एक्सरसाइज ये कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं ओके तो हमें डेली एक्सरसाइज करने चाहिए जिससे कि हम हेल्दी और फिट बने रहें एडूकुएट रेस्ट एडूकुएट मीन्स प्रॉपर सही प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी सही रेस्ट और नींद हमारे मसल्स को क्या देती हैं प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स अवर मसल्स सही रेस्ट और नींद हमारी मसल्स को रिलैक्स करती हैं सही करती हैं एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी और हमारी बॉडी को रेस्ट देती हैं आराम देती हैं दिस हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यह हमारी बॉडी को हेल्प करता है सही फंक्शन सही काम करने में सही फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब सही काम करने में उसे हेल्प करता है अगर हम सही रेस्ट करेंगे तो हम सही ढंग से काम कर पाएंगे आफ्टर हैविंग एडिकुएट रेस्ट सही काम करने के बाद वी फील फ्रेश हम फ्रेश फील करते हैं एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन और वर्क करने के लिए हम दोबारा से रेडी हो जाते हैं टू स्टे हेल्दी और हेल्दी बने रहने के लिए एन एन अडल्ट नीड्स सिक्स टू एट आवर्स ऑफ स्लीप इन अ डे हेल्दी बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए एन एनअडल्ट नीड्स बड़ों को जरूरी जरूरी होती है सिक्स टू एट आवर्स की स्लीप ओके okay? एक दिन में सिक्स टू एट आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी होती है इन इनएडकुएट स्लीप कैन मेक अ सिक इन एडुकुएट एडुकुएट प्रॉपर इनएडकुएट मतलब सही मात्रा में ना होना सही मात्रा में अगर नहीं सोएंगे हम तो हमें क्या हो हम क्या हो सकते हैं बीमार हो सकते हैं स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविज़न और अदरवाइज इज़ बैड हैबिट रात तक लेट तक जागना और टीवी देखना ये क्या है बहुत बुरी आदत है ओके तो टाइम्स पर सोना चाहिए और टाइम पर उठना चाहिए ओके स्टूडेंट्स पोस्चर पोस्चर मीन्स आसन पोस्चर इज़ ए पोजिशन आसन एक ऐसी अवस्था है इन विच जिसमें वी होल्ड अवर बॉडी हम पकड़ते हैं हमारी बॉडी को वी वैन वी सीट जब हम बैठते हैं खड़े होते हैं या फिर हम चलते हैं मूव मूव मैंने चलना ओके okay, हिलते डुलते हैं मतलब पोस्चर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि कैसे बैठना है कैसे उठना है और कैसे चलना है वाइल्ड स्टैंडिंग और सीटिंग जब हम खड़े होते हैं या सीटिंग बैठते हैं वी मस्ट कीप अवर बैक स्ट्रेट हमें हमारी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए लर लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक लीनिंग लीन मैंने झुकना होता है लिनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना वाइल रीडिंग जब हम पढ़ते हैं पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर तो ये क्या करता है एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है हमारी बैक के ऊपर और हमारी आइज़ पर मतलब अगर हम ज़्यादा झुक कर रीड कर रहे हैं देखिए अगर ज़्यादा झुककर रीड कर रहे हैं तो इससे क्या होगा हमारी बैक पर भी प्रेशर आ रहा है और हमारी आइज़ पर भी जो कि क्या है रोंग है तो गुड पोस्चर क्या है बिल्कुल स्ट्रेट बैठना ओके कोेक्ट पोस्चर गिव अस अ ग्रेसफुल अपीरेंस सही पोस्चर हमें प्रदान करता है ग्रेसफुल अपीरेंस इससे हमारे अपेरेंस मतलब जो हम दिखाई देंगे वो अच्छा पोस्चर देखने में भी अच्छा लगता है वाइल्ड इन पोस्चर और जबकि अच्छा पोस्चर इनकोरेक्ट पोस्चर मतलब गलत पोस्चर क्या होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गलत पोस्चर में हम बैठेंगे अगर तो वो कुछ समय के बाद कैन मेक अच सिक हमें बीमार बना सकता है ओके एक बार तो वो कंफर्टेबल लगेगा बट थोड़े टाइम के बाद हम क्या हो जाएंगे बीमार हो सकते हैं ओके तो इसलिए हमें अच्छे पोस्चर में प्रॉपर बिल्कुल सही पोजिशन में सिट और स्टैंड होना चाहिए ओके आगे हैं हमारे कीवर्ड्स कीवर्ड स्टूडेंट्स ये वही हैं जो डिजीज़ भी मैंने आपको राइट करवाया हुआ है डिजीज़ अ कंडीशन इन विच अवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारा शरीर या उसका कोई भी पार्ट काम नहीं करता सही ढंग से तो वो क्या होती हैं डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ गैर संचारी बीमारी ए डिजीज़ दैट डज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती ओके कम्युनिकेबल डिजीज संचारी बीमारी गैर संचारी नहीं फैलती और संचारी क्या है फैलती है ओके ये भी लेसन के अंदर ही आया आपका ये भी करना है आपको बैलेंस डाइट भी आया है बैलेंस डाइट आपको थर्ड में भी आया था और फोर्थ में भी आया था ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए आगे हैं है हमारे वैक्सीन एंड हाइजीन, ओके। वैक्सीन, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वेरी वीक जम्प्स पर्टिकुलर डिजीज वैक्सीन क्या है वैक्सीन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है जिससे कि हम किसी भी बीमारी के लिए ख़िलाफ़ लड़ सकें और उसके जम्स को जो हमारे बॉडी में होते हैं वीक जम्स को वो मार देती है जिससे वो बीमारी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है ओके हाइजीन हाइजीन क्या है स्वच्छता साफ़ सफाई ओके तो और साफ़ सफाई कब आएगी जब हमारी अच्छी आदतों की वजह से गुड हैबिट्स दैट एन्श्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ अच्छी आदतों की वजह से हमारे अंदर क्या आए सफाई आए और स्वच्छता है स्वास्थ्य बना रहे हमारा ओके okay? आगे देखिए टिक द करेक्ट आंसर्स सीरियल्स फ्रूट्स पटेटोज एंड हनी आर सोर्सेज ऑफ किसके सोर्सेज हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के ओके नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन यस बेरीबेरी ओके okay? कौन सी गैर संचारी बीमारी है बेरीबेरी जो नहीं फैलती ए पर्सन इज फाउंड टू अ टू हैव स्वेलिंग इन नेक रीजन विच डिजीज इज ही और शी सफरिंग फ्रॉम कौन सी बीमारी है जिससे कि हमारे नेक में स्वेलिंग हो जाती है यस गोइटर ओके ए चाइल्ड रिब्स आर क्लियरली विजिबल ही इज सफरिंग फ्रॉम येस जिसके अंदर पसलियाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं कौन सी बीमारी है मारसमूस ओके डेंगू इज़ स्प्रेड थ्रो डेंगू किसकी वजह से फैलता है मोस्किटो की वजह से ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए फिलप्स मिल्क बटर घी एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ ये किस चीज़ के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स यस फैट्स के डैश हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टिड फ़ूड हमारी कौन हेल्प करता है अनडाइजेस्टिड फ़ूड को बाहर निकालने में कार्बोहाइड्रेट या रफेज यस रफेज नंबर थ्री डैश डिजीज डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कौन सी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती कौन सी हो कौन सी होती हैं वो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल नॉन मीन्स नहीं नॉन कम्युनिकेबल मतलब गैर संचारी ओके okay? एक आंसर फ्लू स्प्रेड्स थ्रू फ्लू किसकी वजह से फैलता है एयर से कहा किसके थ्रू फैलता है एयर के थ्रू डैश पोस्चर गिव्स अस अ ग्रेसफुल अपीयरेंस करेक्ट पोस्चर हमें ग्रेसफुल अपीयरेंस देता है ओके मैच द फॉलोइंग पार्ट सी है मैच द फॉलोइंग विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस ओके रात को देखने में प्रॉब्लम आना शाम होते ही जैसे ओके आयरन आयरन की कमी से अनिमिया विटामिन सी की वजह से स्कर्वी प्रोटीन्स की वजह से कोवाशी और कोाशी और कोर ओके आज हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स आई होप आप अपना वर्क अच्छे से करेंगे कीवर्ड्स कीवर्ड्स लर्न करने हैं आपको पार्ट ए बी और सी लर्न करना है ओके Take care, bye bye.